आज बिल्कुल जन्माष्टमी वाला माहौल नजर आ रहा है, तेज बारिश हो रही है और जेल के ताले टूट चुके हैं और केजरीवाल साहब कुछ ही देर में बाहर आने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात जो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सामने आई है कि संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है, देश के कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है। जितना मर्जी जोर लगा लिया तानाशाहों ने, पर अल्टीमेटली सत्य की जीत हुई है। और जज साहब ने फैसले में खुद बोला कि सिर्फ और सिर्फ ईडी वाले केस में उनको जमानत मिल गई, जबरदस्ती सीबीआई ने अरेस्ट किया उनको सिर्फ फ्रस्ट्रेशन करने के लिए। तो अल्टीमेटली जितनी मर्जी अंधेरी रात हो, हर रात की एक सुबह होती है और इस रात की भी सुबह हो चुकी है। बात है कि हरियाणा के चुनाव नजदीक है और ठीक पहले इससे अरविंद केजरीवाल जी का बाहर आना, कितना आपको लगता है कि चुनाव तो आते जाते रहेंगे, पर दिल्ली के लोग बहुत खुश हैं, हरियाणा के लोग बहुत खुश हैं, इस देश के लोग बहुत खुश हैं कि आज तानाशाही की हार हुई है और सच की जीत हुई है। केजरीवाल जी बाहर आ रहे हैं और यहाँ देख पा रहे हैं कार्यकर्ता, क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी है? देखिए, संविधान की ताकत, श्री राम भगवान का आशीर्वाद जिस व्यक्ति पे हो उसको आप ज्यादा दिन जेल में रख नहीं सकते। आज सुप्रीम कोर्ट का मैं धन्यवाद करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल जी को बेल दी है। जब पाप चारों ओर बढ़ गया था, जब कंस का अत्याचार बढ़ गया था तो कान्हा जी ने जन्म लिया था, और जब कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था तो उस दिन भी खूब बारिश हुई थी। आज आप देखिए अरविंद जी को बेल मिली है तो आज भी बारिश हो रही है, अरविंद जी जेल से निकलने वाले हैं और दिल्ली के लोगों ने जो उनको मौका दिया था उनकी सेवा करने के लिए दोबारा अपना काम करेंगे और दिल्ली की जनता के जो रुके हुए काम है, जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रुका गया, उसको पूरा करेंगे। और बीजेपी की तानाशाह सरकार जिन्होंने ईडी सीबीआई को लगा के जो अरविंद को बंद किया था, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीबीआई को केजेड पैरेट का और कहा कि जब ईडी से बेल मिल गई थी उसकी वजह से तुम सीबीआई ने अरेस्ट किया, तो ये दर्शा रहा है कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल से डरती है और अपने सीबीआई और ईडी के माध्यम से आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है।